अपना एजेंडा चलाते हो, बोल रहे कि मैं बीजेपी का एजेंडा चलाऊंगा, डिबेट में मैं सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाऊंगा। रजत जी रोज शाम को 9 बजे बोलते हैं, रोज शाम को 9 बजे एक उनका शो आता है, एक अल्फाज जो निकल जाए गलती से मुंद्रा पोर्ट के बारे में कि आपका नेता कौन है, और वो 100 में से 100 लोग राहुल गांधी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर फैशनेबल बनकर 2 और नाम क्यों बताऊं। आज की वीडियो में बात उन डिबेट्स की करते हैं जिनमें सरकार का पक्ष लेने पर एंकर को विपक्षी नेताओं ने करारा जवाब दिया हो। इंडिया टीवी पर आर्यन खान के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल AIMIM नेता असीम वकार से किया। अपने जवाब में असीम वकार ने पत्रकार रजत शर्मा की भी क्लास लगा दी। अभी चर्चा में ये बात निकल कर आई कि आर्यन खान के ऊपर इसलिए हाय तौबा मची हुई है क्योंकि शाहरुख खान का नाम उससे जुड़ा है। क्या एक सेलिब्रिटी का बेटा होना अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि राजनीति हो जाएगी? कि आज मैं टीवी पे सुन रहा था कि 6 ग्राम कोई मर्चेंट है, वो क्या नाम उसका, उसके पास से मिला 6 ग्राम, एक के पास से मिला होगा 10-12-15 ग्राम और मिला होगा, और 7-8 दिन से लगातार कोई घंटा ऐसा नहीं है न्यूज चैनलों का, नेशनल चैनल्स का, जिस पर ये डिबेट ना हो रही हो। और वहीं हिंदुस्तान में एक मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो 3 टन हीरोइन बरामद होती है, एक घंटे की डिबेट भी कोई नहीं करके करता है। ना अजय कुमार जी आपका चैनल कर रहा है, रजत जी रोज शाम को 9 बजे बोलते हैं, रोज शाम को 9 बजे एक उनका शो आता है, एक अल्फाज जो निकल जाए गलती से मुंद्रा पोर्ट के बारे में। भाई आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जाहिर सी बात है हम हर मुद्दे पर अपनी बात बड़ी स्पष्टता और बेबाकी से रखते हैं। महाराष्ट्र के मुद्दे पर टाइम्स नाउ पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने नवाब मलिक को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की तो नवाब मलिक ने अपने जवाब से एंकर को चुप करवा दिया। तो लोगों को विरोध करने दीजिए सर, आप जबरदस्ती विरोध क्यों थोपते हैं उन पर, उनकी दुकानें बंद करा के? नहीं, आपको लग रहा है ये जबरदस्ती है, हमें लगता है सर हमारे कैमरे पे लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती है, तो मैं क्या बोलूं सर? आप सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग करके कुछ भी दिखा लीजिए। ये देश भर में आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मौन व्रत भी रखा था, क्या ये काम मौन व्रत रख के नहीं हो सकता था? देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान बिना पहुंचाए, उन लोगों को जो दिहाड़ी पर काम करते हैं रोज कमा के खाते हैं, बिना उनको नुकसान पहुंचाए ये मैसेज नहीं जा सकता था? 3 महीने मोदी जी ने बंद रखा था, तब दिहाड़ी का सवाल आपने नहीं पूछा, हमें लगता है गरीबों का दर्द आपको है। तो मोदी जी ने 3 महीने बंद रखा इसलिए आज आपको लगा बंद करना चाहिए, वो तो कहा गया कि जान बचाने के लिए था, आज जान लेने के लिए था? देखिए आपका ओछा तर्क है, जितने सवाल थे हमने दे दिए, आपको जिस तरह खबरें दिखानी दिखाइए, जो सवाल आपको पूछ के लोगों के जवाब रिकॉर्ड करके दिखाना दिखाइए, उसको लेके हमें कोई भी आपत्ति नहीं। धन्यवाद। न्यूज 18 पर किसान आंदोलन में हुई एक घटना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल अनुराग भथोरिया से किया, जिस पर उन्होंने टिप्पणी की, पर एंकर ने उसे किसी और ढंग से पेश किया, जिस पर अनुराग ने एंकर की क्लास लगा दी। देखिए जिस तरह की जो घटना हुई है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, और हमारे गांधी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं, और जिस तरह की हिंसा ये हो रही है और क्यों हुई किस लिए हुई इसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पे पुलिस क्या करती है, LIU क्या कर रही है, मुख्यमंत्री हरियाणा के क्या कर रहे हैं, इसके मतलब वहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज सरकार वहाँ मैनेज नहीं कर पाती है। अब तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया वो भी कह रहे हैं कि उठाओ इनको, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। GVL आपकी तो समाज विपक्ष आपके साथ है, जो प्रदर्शन वहाँ है। नहीं नहीं अमन जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप उनसे बुलवाइए, मैं आपको गैर कानूनी चलाते हो, गैर कानूनी मैं बीजेपी का एजेंडा चलाऊंगा, डिबेट में मैं सिर्फ बीजेपी का चलाऊंगा, अनुराग चलाऊंगा। भाई आपने बोला इन कसाईयों को, आपने बोला इनको उठाओ यहाँ से, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही है ना अनुराग भदौरिया, हत्या हो गई, दंगा हो गया। आज तक पर राहुल गांधी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल कांग्रेसी प्रवक्ता से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर किया, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने करारा जवाब दिया। हमारा प्रश्न सुप्रिया जी आपसे ये है कि क्या आप राहुल गांधी के अलावा 2 नाम और ऐसे बता सकती हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं, और अगर राहुल गांधी नहीं तो उनमें से कोई अध्यक्ष बन जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिपोक्रेसी और ढोंग करने इस चैनल पर नहीं आई हूँ। अगर मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में जाके 100 लोगों से पूछती हूँ कांग्रेस की कि आपका नेता कौन है, और वो 100 में से 100 लोग राहुल गांधी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर फैशनेबल बनकर 2 और नाम क्यों बताऊं? मुझे लगता है मैं उन लोगों के साथ विश्वासघात करती हूँ। वो लोग अपना नेता राहुल गांधी जी को मानते हैं जैसे मैं मानती हूँ, वो नेता बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक शब्द आप लोग यूज कर रहे थे अभी आपकी रिपोर्ट में, मैंने 2-3 बार सुना, आंतरिक कलह, आंतरिक कलह।
अभी वरुण गांधी जी ने किसानों के कुचलने पर बोल दिया, उनको और उनकी माता जी को निकाल बाहर किया नेशनल एग्जीक्यूटिव से। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ध्वस्त अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पे सवाल उठा लिया, निकाल बाहर किया उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव से। तो इंटरनल लोकतंत्र का मतलब भाजपा नहीं समझ पाएगी, ये इनकी दिक्कत और इनकी बौखलाहट मैं जानती हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.